हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम शिमला मिर्च और प्याज की आसान सी सब्जी की रेसिपी बनाएंगे, पर टेस्ट में यह सब्जी बहुत ही लाजवाब होगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो स्मॉल साइज़ के शिमला मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। दो मीडियम साइज की प्याज जिसे चार टुकड़े करके इसके पेटल्स को अलग अलग निकाल लिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और दोनों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो पेन में थोड़ा सा तेल बचा है, इसी में हम डालेंगे 4 से 5 काली मिर्च और 2 लौंग, 6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 स्मॉल साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 8 से 10 काजू, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च इसे तोड़कर डालेंगे। सभी को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने रफली बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को अब हम ढककर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। बीच में हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 5 से 6 मिनट टमाटर को हमने ढककर पका लिया है, तो टमाटर सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे पीसकर पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ठंडा करने के बाद हमने इसे जार में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम एक बाउल में लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ऐसे ड्राई मसालों का पेस्ट बनाकर डालने से मसाले तेल में जलते भी नहीं है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम सेम पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने दें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले का पेस्ट डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाकर रखा है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले का बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। पेस्ट के बाउल में ही मैंने 1/2 कप पानी लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें ग्रेवी को 8 से 10 मिनट तक अच्छे से ढककर पकाना है। बीच में हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 8 से 10 मिनट ग्रेवी को हमने ढककर पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 से 3 टेबल स्पून घर की फ्रेश मलाई जिसे मैंने अच्छे से फेट कर लिया है। आप मलाई की जगह पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं घर की फ्रेश मलाई ही डालना पसंद करती हूँ, ये हर घर में अवेलेबल रहती है। तो मलाई की कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, हम इसे भी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढककर केवल 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद सब्जी बनकर तैयार है और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।